बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम रोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर के गुना गांव में पिछले दिनों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। इस मामले के अंदर दो जगह पर छाम लगा, एक गुना के बस स्टैंड पर, दूसरा गुना के ही पास में गांव नाजिरपुरा में। नाजिरपुरा और गुना के अंदर आक्रोशित लोगों ने छाम लगा दिया, जिनकी भावनाएं आहत हुई थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति तोड़ने से। उस मामले को लेकर आपको बताया कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया अग्रणी नेता साबित हुए, क्योंकि अभी चंद्रशेखर आजाद विनय रतन जो कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है 21 तारीख को जो दिल्ली के अंदर उपद्रव हुआ था उस मामले को लेकर। इस वजह पूरी जिम्मेदारी कमल सिंह बालिया पर थी। कमल सिंह बालिया वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचे, उसके बाद उन्होंने सीओ सिटी तमाम उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि उन्होंने ही पुलिस अधिकारियों को फोन करके ये जानकारी दी गई थी कि यहां पर जाम लगा दिया गया है और ये मामला पूरा प्रकरण है। अखबारों में भी कहीं जो लोकल अखबार है उनमें भी यही घटना छपी है कि इस मामले के अंदर पूरी तरीके से जिस व्यक्ति ने पुलिस को इतला की, यानी कि इन लोगों ने नामजद आरोपी बनाए गए हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी की किस किस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ी, इसकी शिकायत खुद कमल सिंह बालिया ने की थी। लेकिन उल्टा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह बालिया को मुख्य आरोपी बनाया। इसके अलावा 750 लोगों को अलग अलग दोनों जगहों पर, जो नाजिरपुरा और गुना गांव थे उनकी दोनों जगह पर 750 से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया, उनको मुकदमा लगाया। इनके ऊपर मुकदमा जो चार्ज लगाए गए हैं वो ये है कि इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, उपद्रव किया, पुलिस पर हाथापाई की, 7 क्रिमिनल एक्ट लगाया गया है। आपको बता दें कि जबकि जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ने का मुकदमा दर्ज करवाया था, अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। इस मामले में भीम आर्मी को गुस्सा है कि अभी तक जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां नहीं तोड़ी, जिन्होंने तोड़ी थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि उल्टा हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई है। जब हमने सिद्धांत निर्माता की सुरक्षा की मांग की थी और हमारे ऊपर ही कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस मांग को लेकर आपको बता दें कि भीम आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जो भीम आर्मी सहारनपुर के जिला प्रभारी है उनकी तरफ से संबोधित किया गया था। आपको सुनवाते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा, लेकिन आपको बता दें कि उनकी तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है वो ऐलान ये है कि 17 तारीख यानी 17 सितंबर जो आ रही है उस दिन जेल भरो आंदोलन होगा, और उन्होंने कहा है कि हर तरीके से वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। बाकायदा अगर उन्हें पुलिस प्रशासन सीसीटीवी कैमरेज दिखाए, फोटोज दिखाए, वो कहीं बात कर नहीं जाएंगे, वो यही खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे पुलिस के लिए। अगर पुलिस उनमें सहयोग करेंगे तो पुलिस के भी वो साथ खड़े रहेंगे। पुलिस दिखाए, फोटोज दिखाए, सबूत दिखाए कि हम लोगों ने उपद्रव किया था, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये कमल सिंह बालिया का दावा है। और इधर आपको बता दें कि जो उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 750 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो या तो वापस लिया जाए, वरना बहुजन समाज सड़कों पर उतरेगा और जेल भरा आंदोलन किया जाएगा। तो डीआईजी साहब ने हमें कहा कि हम डीआईजी साहब के अंदर से हुआ था कि हमारे पास से मिली, आप कप्तान साहब से मिलिए। अरे, समाज को प्रतिनिधि करने वाला एक अधिकारी जो समाज की बात सुनने के लिए बैठा है वो कहता है आप उससे मिलिए। हम कप्तान साहब के पास जाते, कप्तान साहब कहते हैं आप एसपीसीटी के पास जाइए, एसपीसीटी हमें कहते हैं मैं तो सब लोगों की जमानत उड़ाऊंगा, 7,000 को जेल में डालूंगा। तो हम भी सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं, आने वाली 17 सितंबर संपूर्ण बहुजन समाज उन 750 परिवारों के साथ जेल में जाने के लिए तैयार है।